नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, बिहार भले ही इकोनॉमी के मामले में भारत के 10 सबसे पीछे का राज्यों की श्रेणी में आता है, लेकिन यह भी सच है कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा परिश्रमी भी होते हैं। बिहार के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इस मामले में भी बिहार अन्य कई राज्यों से पीछे है। इसका मुख्य कारण है बिहार में जीविका के लिए संसाधनों की कमी। यहाँ कारखाना ना होने के कारण बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। बिहार में शिक्षा के स्तर में पहले के मुकाबले बहुत सुधार हुआ है, इसलिए यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रहा है। बिहार के लोगों की एक और खासियत है कि यहाँ के लोग कोई भी काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार में 7 सबसे अमीर जिलों के बारे में। हम शुरुआत करेंगे नंबर 7 से और नंबर 1 तक जाएंगे। दोस्तों, 7वें नंबर पर 2 जिले आते हैं, गोपालगंज और सीवान। इन दोनों जिलों में विदेशों से सबसे अधिक पैसे आते हैं। यहाँ के व्यस्क सऊदी और दुबई जैसे देशों में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं और वहाँ से पैसे भी भेजते हैं। इन दोनों जिलों के प्रति व्यक्ति आय 19,500 रुपए है। सबसे अमीर जिलों की लिस्ट में नंबर 6 पर रोहतास जिला आता है। रोहतास जिला पटना जिला के अंतर्गत आता है। इस जिले का क्षेत्रफल लगभग 3,850 वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले की आबादी 33,75,000 के आसपास है। इस जिले की आय का मुख्य साधन कृषि है। इसके अलावा लोग नौकरी भी करते हैं। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 20,900 रुपए है। इस नंबर पर रोहतास जिला के साथ आरा जिला भी है। आरा जिले की प्रति व्यक्ति आय 20,800 रुपए है। इस कड़ी में 5वें नंबर पर आता है बेगूसराय जिला और भागलपुर जिला। बेगूसराय जिला को बिहार के दबंग जिला के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की बरौनी रिफाइनरी बिहार की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बेगूसराय जिला 1,918 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले की आबादी लगभग 32 लाख है। अगर भागलपुर जिले की बात करें तो मैदानी इलाका होने के कारण यहाँ पर कृषि के सफल व्यवसाय हैं। भागलपुरी सारी भारत भर में पसंद किया जाता है। यहाँ सिल्क इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय है। बेगूसराय और भागलपुर, इन दोनों जिलों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 21,000 रुपए है। 4थे नंबर पर आता है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला बहुत तेजी से विकास करने वाला जिला है। इस जिले की क्षेत्रफल 2279 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग 21,400 रुपए है। सबसे अमीर जिलों की लिस्ट में 3रे नंबर पर आता है मुजफ्फरपुर जिला। यह जिला बिहार का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला जिला बन चुका है। 3,179 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जिला चमड़े के उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग व्यवसाय को भी प्राथमिकता देते हैं। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग 22,000 रुपए है। सबसे अमीर जिलों की कड़ी में गया जिला 2रे नंबर पे आता है। गया जिला बिहार का टूरिज्म हब भी है। यहाँ विदेशों से काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। गया जिला बिहार की संस्कृति और प्राचीन स्थिति को समेटे हुए है। यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। टूरिज्म यहाँ की आय का मुख्य साधन है। गया जिले की प्रति व्यक्ति आय 22,300 रुपए के करीब है। और बिहार के सबसे अमीर जिलों की कड़ी में सबसे पहले नंबर पर बिहार की राजधानी पटना है। पटना बिजनेस हब है और यहाँ के लोग काफी समृद्ध हैं। व्यापार के माध्यम से यहाँ के लोग पैसा कमाते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, अगर इस लिस्ट में आपका जिला भी आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।